ब्रिगेड की जो है टीम आ चुकी है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा प्रोसेस शुरू हो चुकी है इस आग को बुझाने के लिए। आग किस कारण से लगी है ये तो अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन आग लगी है एक हुंडई कार में, जो हुंडई की एसेंट कार है उसमें आग लगी है। सरखेज जुहापुरा का ये नेशनल हाईवे नंबर 8 है और ये सीधा जोड़ता है राजकोट को अंबर टावर सीट के पास ही में। देखिए पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा। ये उसी के धुएं के गुब्बारे उड़ रहे हैं और लोगों के अंदर काफ़ी कुतूहल मची है। तमाम लोग जो है सोशल मीडिया काफ़ी, सोशल नेटवर्किंग काफ़ी जो है मजबूत हो चुका है। तमाम के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा तमाम लोग जो है इस घटना को कैमरे में कैद करना चाहते हैं और वो हो भी रही है। देखिए तमाम लोग मोबाइल के द्वारा और ये घटना को मोबाइल में कैद कर रही है। एक भाई है जोमाटो पर जो है जॉब करते हैं, उन्होंने भी अपना मोबाइल निकाल लिया है और इस घटना को कैमरे में कैद कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इसमें से कोई बाकी नहीं है जिन्होंने इस घटना को कैमरे में कैद ना किया हो। नयारा पंप के पास की घटना है और तमाम लोग और एक साइड का जो है पूरा रोड सड़क बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं कहां तक का ट्रैफिक जाम लगा है। दूर तक ये ट्रैफिक जाम लगा है, आसपास की बिल्डिंगों में सभी लोग जो है खिड़कियों में से बाहर देख रहे हैं। तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से इस घटना को कैद कर रहे हैं। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। फायर की एक ही गाड़ी थी, फायर के कुछ कर्मी हैं, उन लोगों के द्वारा आग पर काबू पा लिया है। उसी देर में पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुँच जाएगी और अगर पुलिस की टीम पहुँचती है इसको पूरी तरह से कार की आग को बुझाने के बाद रेस्क्यू किया जाएगा। इसको यहाँ से हटाकर दूसरी एक साइड किनारे पर रखा जाएगा और ये पूरी तरह से रोड तकरीबन 15 से 20 मिनट में इस रोड को खोल दिया जाएगा। पूरी रोड सड़क भरी हुई है, एक साइड का जो है रोड पूरा बंद है, डाइवर्ट कर दिया गया है इस रोड को, इस हाईवे को और तमाम सामाजिक आगेवान, सोशल एक्टिविस्ट सभी लोग पहुँचे हैं। चलिए अब ये पूरा रोड जो है खोल दिया गया है। कहा था आपको कि 5 से 10 मिनट के अंतर में इस रोड को खोल दिया जाएगा और बहरहाल पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, पूरी तरह से काबू पा लिया है। डिक्की दरवाजे पूरी तरह से लॉक है इस गाड़ी के, वजह जान नहीं पाए अब तक जो है फायर ब्रिगेड की टीम भी, लेकिन टोटल लॉस हो चुकी है। सच नसीब से अंदर जो कोई थे नहीं, जो भी मतलब कार चालक और उनकी साथ में जो लोग थे चाहे फैमिली वाले हों उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब जो है कार जली हुई मलबे में तब्दील हुई। चलिए फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, बोनट और जो उसके दरवाजे हैं डिक्की है तमाम लॉक है। फायर की एक ही टीम से काम चल गया है। रोड एक तरफ का जो था पूरी तरह से खोल दिया है और फायर की एक ही टीम से काम चल गया है। और अभी ये लोग जो है आगे की ओर निकल सकते हैं।
लोगों में एक मेला लगा है, लेकिन ये लोग प्रशासन के लिए भी खतरा बनते हैं। काम के अंदर जो है दुविधाएँ खड़ी होती है, अगर लोग इस तरह से आके खड़े होते हैं तमाशाहीन बनते हैं। और अब ये पुलिस आई है, शायद यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है। अब तमाम लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। रोड डाइवर्ट जो किया था, बंद था, उसको पूरी तरह से खोल दिया है। अब तमाम लोगों को भी यहाँ से हटाया जाएगा, इस कार को भी हटा दिया जाएगा। और ये वजह जानने में अब पुलिस की टीम लग जाएगी किस तरह से इस गाड़ी में है, जो इस कार में आग लगी है। लेकिन फिलहाल बता दें अब तक समाचार की चैनल के माध्यम से कि कोई जान हानि और किसी को कोई नुकसान नहीं है। कार पूरी तरह से फिलहाल जल चुकी है, फायर की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद। आप भी अपने परिवार का, फैमिली का ख्याल रखिए और नियमित रीत से जो है अपनी कारों का, अपने व्हीकलों का जांच कराइए, उसकी फिटनेस है वो चेक कराइए।